विश्व मानसिक स्वास्थ्य समारोह के अंतर्गत सीआरसी के सभागार में मानसिक स्वास्थ्य भलाई एवं आत्महत्या के रोग विषय कार्यशाला का आयोजन किया गया। साप्ताहिक कार्यक्रम के समापन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर गणेश कुमार, ऑल इंडिया रेडियो के कार्यक्रम प्रमुख डॉक्टर अनामिका श्रीवास्तव, डॉक्टर तपस कुमार, डॉक्टर सुषमा पांडे, सीआरसी के निदेशक रमेश कुमार पांडे सहित अन्य गणमान्य लोग, दिव्यांग बच्चे तथा उनके अभिभावक मौजूद रहे। समापन समारोह का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस मौके पर अतिथियों के ने मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित प्रमुख बिंदुओं पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि मानसिक तनाव आत्महत्या का कारण बन सकती है, इसलिए अवसाद से दूर रहें और अपने जीवन को तनाव मुक्त रखते हुए मानसिक बीमारियों से बचें, जिससे जीवन को सार्थक बनाया जा सके। इस दौरान मानसिक तनाव से बचाव के लिए एक पोस्टर भी जारी किया गया, जिसका अनावरण कार्यक्रम के अतिथियों द्वारा किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीआरसी के निदेशक रमेश कुमार पांडे ने बताया। श्रवण बाधित जन भी यहाँ पे का निर्वहन करते हुए मैं अनुरोध करके और मेमेंटो दे करके उनका स्वागत करें। अभी इस क्रम में मैं सभा हैदर में अनुरोध करना चाहूँगा करके स्वागत करें। इस क्रम में मैं अनुरोध करना चाहूँगा समस्याओं पे चर्चा, जो स्टिग्मा टाबू है, जिस तरह के विचार है हमारी सोसाइटी में, उसके बारे में लोगों में जो गलत धारणा है उसको हम हटाएं और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में ज़्यादा उनको जागरूक करें। दूसरी चीज, जो लोग ऑलरेडी मानसिक रोग से ग्रस्त हैं, जो पर्सन विद मेंटल इलनेस है, उनके क्या इश्यूज हैं उसको एड्रेस करें। और जो तीसरा था वो है कम्युनिटी मेंटल हेल्थ। हमारे समाज में मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाने के जो मैकेनिज्म्स हैं उसके बारे में चर्चा हो। इसी श्रेणी में जो पहले कैसे बने हुए हैं, ये बहुत बड़े इशू है जिसको हम समझ नहीं सकते। मैं बोल सकता है अपने ऑफिस में आऊँ और अपने ऑफिस का फ्रस्ट्रेशन, अपने घर का फ्रस्ट्रेशन ऑफिस वालों पे निकाल रहा हूँ, यानी उनको भी फ्रस्ट्रेट कर रहा हूँ, उनका मानसिक स्वास्थ्य बिगाड़ रहा हूँ। हो सकता है मैं उसी में फ्रस्ट्रेशन के साथ गाड़ी चला रहा हूँ, यानी समाज में सड़क में भी मानसिक स्वास्थ्य सबका बिगाड़ रहा हूँ, पूरे समाज में उसको अपना फ्रस्ट्रेशन फैला रहा हूँ। हो सकता है मैं सब्जी वाले के साथ जाके अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा हूँ, अपना गुस्सा दिखा रहा हूँ उसको, उससे और चार लोग परेशान हो रहे हैं। हम कैसे मानसिक स्वास्थ्य अपना लोगों को, हम कैसे वायरस बन रहे हैं इस कॉम्पिटेटिव युग में, इस प्रतिस्पर्धा युग में, ये हमें सोचना है। वायरस बन के चीजों को समाज में फैला रहे, इससे बचना है। अगर हम इसको सोच के समाज में 2% भी कंट्रीब्यूशन दे पाए तो मेंटल इलनेस से होने वाली डेथ, मेंटल इलनेस या खराब मानसिक स्वास्थ्य के कारण होने वाले सुसाइड, आत्महत्या, उसके रोकथाम में हम सब, आप सब लोग एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यहाँ पे अभी ये हमारे साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट टेस्ट करें तो शायद हर तीसरा व्यक्ति तनाव से ग्रस्त होगा और किसी को किसी तरह की मानसिक समस्या से वो दो चार हो रहा होगा। अब मैं चूंकि रेडियो का प्रतिनिधित्व तो कर रही हूँ, बयान नहीं कर सकते, लेकिन कई बार जो मनोरंजन होता है जीवन में, तो एक स्वस्थ मनोरंजन हम सबके जीवन का इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा है। हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो भजन गाया करते थे, सवेरे उठ के भजन, ताली बजा के भजन गाया करते थे। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि जब हम ताली बजाते हैं तो एक किस्म का एक्यूप्रेशर यानी बेहतर स्वास्थ्य हमें मिलता है। संगीत अपने आप में एक दवा है, तो सुबह भजन गा के या रेडियो से संगीत सुन के कई बार युवा कहते हैं कि अरे यही बात तो हम कहना चाहते थे जो इस गाने में कही गई। तो ये गाना, संगीत या जो कुछ भी हमारी कलाएं हैं, उनके माध्यम से जब हम दूसरों से जुड़ते हैं या खुद को खुश रखने की कोशिश करते हैं, हमारा अल्टीमेट प्रारंभ वही होता है। आपको पेंटिंग करने से खुशी मिलती है, आप एक चित्र पेंट करिए। आपको फोटोग्राफी से खुशी मिलती है, आप फोटोग्राफी कीजिए। लेकिन हम सब अपने अंदर और अपने आस पास कोई एक ऐसा मनोरंजन का माध्यम, अपने आप को संतुष्ट करने का माध्यम ढूंढेंगे जो हमारे रोजगार से अलग।
सवाल हटकर होगा, क्योंकि अगर हम किसी से भी बात करते हैं वो जब कभी भी काम करने जाता है तो उसे लगता है कि काम उबाऊ है, बोरिंग है, थकाऊ है। जब हम रोज एक ही काम को बार बार करते हैं तो हमें थकान होने लगती है, लेकिन काम करना आवश्यक है क्योंकि हमारी रोजी रोटी काम से चलती है। लेकिन काम करने के साथ साथ अपने काम के दौरान या काम से अलग रहिए, हम शाम को माउथ हॉर्न बजा लें, हम संगीत सुन लें, हम वो गाने गा लें, हम कहीं भजन गा लें, हम नृत्य कर लें, कुछ भी कर लें, तो अपने काम के साथ आप कोई ना कोई एक ऐसी चीज अपने साथ जरूर रखेंगे जो आपको खुश रखे और आपकी मेंटल हेल्थ को बेहतर करे। जैसा कि अभी हमारे कुछ कप्तान ने बताया, अगर मानसिक विकार है, मनुष्य मन से स्वस्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं। हेल्थ से अगर एक बार आदमी परेशान है चलता है, लेकिन अगर मानसिक तौर पे बीमार है तो समाज, परिवार, कहीं भी उसको रिस्पेक्ट सम्मान सम्मान नहीं देते। मैडम ने कहा भी बताया, तनाव बहुत है जीवन में, तमाम कारण हैं, उन यहाँ पर कारणों का निवारण ढूंढा जाएगा। दुख है, जैसे कि पता का भगवान बुद्ध ने कहा, दुख है, दुखों का कारण है और उन कारणों का निवारण है। गोरखपुर मंडल मुनियों भगवान की नगरी है, महात्मा गौतम बुद्ध का यहीं पर निर्माण हुआ। संत कबीर एक बहुत बड़े धार्मिक हुए, समाज सुधारक हुए, और तमाम उलझ हमारे गोरखनाथ मंदिर है, ऐसे तमाम संत में हुए हैं। होता है अशांत होता है तब मैं लोगों की शरण में जाता हूँ, मंदिर में जाता हूँ पाने के लिए, तो शांत होता हूँ। स्वास्थ्य केवल मानसिक स्वस्थ होना ही स्वास्थ्य नहीं है। मनुष्य हेल्थ ठीक हो, राजनीतिक भी स्वस्थ हो, सामाजिक भी स्वस्थ हो, धार्मिक भी स्वस्थ हो, आर्थिक रूप से भी संपन्न हो। तो स्वस्थ स्वस्थ क्या है, इसका एक बहुत ही क्वेश्चन है। सबसे कम आप आर्थिक रूप से स्वस्थ हो सकते हैं, मानसिक रूप से बीमार होंगे, मानसिक रूप से स्वस्थ हो सकते हैं, धार्मिक तौर पर आप कहीं कहीं अस्वस्थ हो सकते हैं, सामाजिक तौर पर अस्वस्थ हो सकते हैं, इन सबकी वजह होती है। मेरा नाम रमेश पांडे है, मैं निदेशक हूँ सीआरसी को। ये हमारे सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय का जो हमारा विभाग है, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, और हमारा राष्ट्रीय संस्थान है राष्ट्रीय बहुदिव्यांगता जन सशक्तिकरण संस्थान, उसकी तरफ से हमें यह आदेश मिला कि इस वर्ष विश्व मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह का आयोजन किया जाना है और 7 दिन 9 तारीख से 15 तारीख तक 7 दिन जागरूकता, मानसिक स्वास्थ्य की जागरूकता तथा आत्महत्या की रोकथाम विषय पर अलग अलग अवेयरनेस कार्यक्रम होने हैं, जिससे एक व्यापक पैमाने पर जागरूकता फैलाई जा सके आत्महत्या की रोकथाम और मानसिक स्वास्थ्य की वृद्धि में। उसी क्रम में आज ये सेमिनार है, 7वें दिन आज समापन समारोह है। आज का भी विषय वही है, मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाना और आत्महत्या की रोकथाम। इस 7 दिनों में हम लोगों ने अलग अलग कार्यक्रम किए, रैलियाँ की, जिससे हजारों लोगों को हमने मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाने के और आत्महत्या के रोकथाम पे जागरूक किया, दिव्यांगजनों के पेरेंट को जागरूक किया, दिव्यांगजनों को जागरूक किया, समाज में शिक्षकों को जागरूक किया, एनजीओ चलाने वालों को जागरूक किया, तथा जो खुद अवसाद से ग्रस्त हैं, किसी न किसी मानसिक समस्या से ग्रस्त हैं, उन सभी को हम लोगों ने मानसिक स्वास्थ्य पे कैसे उसकी देखरेख की जाए, कैसे एक स्वस्थ समाज का निर्माण किया जाए, उस पर एक व्यापक 7 दिन के कार्यक्रम करके गोरखपुर में व्यापक रूप से जागरूकता फैलाई।